हे दोस्तों 15 बॉलीवुड फैक्ट्स। फिल्म पीके के लिए आमिर खान सेट पे एक पान वाले को साथ में रखते थे और 10-15 पान भी खाते थे डेली ताकि उनके लिप्स पे करेक्ट कलर आए, इसलिए तो उन्हें मिस्टर प्रोफेशनलिस्ट कहा जाता है। सलमान खान की दबंग 2 ही उनकी पहली सीक्वल थी अपने 23 इयर्स के कैरियर में। इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी फिल्म का सीक्वल में काम नहीं किया था। सच में सलमान खान बहुत ही मिस्टीरियस आदमी है। दीपिका पादुकोण ने 2006 में कन्नड़ा फिल्म में डेब्यू किया था। उसके बाद हिमेश रेशमिया का एल्बम आपका जरूर में नाम है तेरा तेरा सॉन्ग में दिखी गई थी, जहां फराह खान ने उन्हें देखा और फिर ओम शांति ओम के लिए अप्रोच किया। और आज दीपिका पादुकोण भवानी बॉलीवुड में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। मैंने प्यार किया, मतलब मैंने नहीं किया, एनीवे मैंने प्यार किया मूवी में प्रेम के रोल के लिए सलमान खान की जगह विंदू, दारा सिंह और पीयूष मिश्रा को कंसिडर किया गया था। थैंक गॉड सलमान ने ये मूवी की। बजरंगी भाईजान की शूटिंग के बाद सलमान खान ने 2 नए घोड़े खरीदे और उनका नाम रखा बजरंगी और भाईजान। इजंट इट क्यूट। फिल्म रॉकस्टार को रिवर्स शूट किया गया था, मतलब फिल्म के क्लाइमैक्स और एंडिंग को पहले शूट किया गया था, उसके बाद फुल मूवी शूट हुई थी क्योंकि मेकर्स रणबीर कपूर के हेयरस्टाइल की कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना चाहते थे। वैसे ही थ्री इडियट्स भी रिवर्स शूट हुई थी। ऋतिक रोशन ने एक बार 50 बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर की हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग और उन्हें अपने सभी दोस्तों में बांट दिया। सच में दोस्त हो तो ऐसे, सोच रहा हूँ 10-15 बुक्स मैं भी ऑर्डर कर लूँ। शाहरुख खान स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट में बहुत बुरे थे तो उनकी माँ कहती थी कि अगर वो हिंदी इम्प्रूव करेंगे तो उन्हें हिंदी फिल्म दिखाने के लिए उनकी माँ लेके जाएगी। तो आज देखें तो ये बादशाह हैं हिंदी मूवीज़ के। रणवीर सिंह का ओरिजिनल नेम रणवीर सिंह भवानी है और ये एक्चुअली में सोनम कपूर के कज़िन हैं। इंडिया में 2.7 बिलियन से भी ज़्यादा टिकट सेल होती हैं हर साल और 1.4 मिलियन जनता रोज़ाना मूवी देखने जाती है, जो कि हाईएस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर भी इंडिया की लोएस्ट टिकट प्राइसिंग की वजह से रेवेन्यू कम रहता है। जस्ट थिंक, जबकि इंडिया में भी 250-300 रुपीज़ की टिकट होती है, वो भी चीपर है वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से। थ्री इडियट्स के लिए आमिर खान की जगह शाहरुख खान को ऑफर किया गया था, जिसे ना करने के लिए शाहरुख खान अभी तक खुद को फोर्थ इडियट कहते हैं। थ्री इडियट चेतन भगत की नॉवल 5.1 पे बनी है। मूवी में रेंचो का डायलॉग है कि लोग पहले इंजीनियरिंग करते हैं, फिर एमबीए करते हैं और आखिर में बैंक की नौकरी करते हैं, तो इंजीनियरिंग पढ़ने का फायदा क्या हुआ। एक्चुअली में चेतन भगत ने भी पहले इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए किया और फिर बैंक में नौकरी की। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं थ्री इडियट के, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पीके मूवी का पोस्टर जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहा, वो एक्चुअली में पीके के दौरान नहीं बल्कि धूम 3 के दौरान पर शूट कर लिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे आमिर खान की बॉडी अच्छी शेप में थी। ऐसी मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। 2.0 एक्चुअली में सीक्वल है मूवी रोबोट का। इसका नाम रोबोट 2 रखा जाने वाला था, लेकिन लीगल इशू के कारण ये नाम अवेलेबल नहीं था तो बदल कर 2.0 रखा गया। 2.0 की टेक्निकल टीम ब्लॉकबस्टर मूवी देने वाले लोगों से भरी हुई थी, जैसे कि फिल्म के वीएफएक्स में जैन होज और वॉल्ट का हाथ था, जो लाइफ ऑफ पाई जैसी मूवी में ब्लॉकबस्टर वीएफएक्स दे चुके हैं। कई वीएफएक्स और एक्शन सीन के पीछे पेट्स का हाथ था, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर जैसी पिक्चरों में एक्शन डायरेक्ट किया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन में भी मैरी हार्ट और रॉड रॉड्रिक, जो कि मैन इन ब्लैक, ट्रॉन और डेयर डेविल कॉस्ट्यूम डिजाइन कर चुके हैं। और मेकअप के लिए भी शॉन फुट थे, जिन्होंने अवतार जैसी मूवी में मेकअप किया है। 2.0 एक हाई बजट मूवी थी। बोनस फैक्ट, 2008 में एक ही बॉलीवुड मूवी को 3 ऑस्कर मिले थे बेस्ट साउंड म्यूजिक और लिरिक्स के लिए, फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर को, एआर रहमान और गुलजार को। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर आप और जानना चाहते हैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं मूवी में एडिटिंग और वीएफएक्स के लिए, तो और भी वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल पे। और एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।